मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित रामगढ़ का किला एक ऐतिहासिक स्थल है। इस किले का निर्माण परमार वंश ने करवाया था। इस किले की खूबसूरती बारिश और ठंड के मौसम में देखने को मिलती है। उसकी ऊंचाई से दिखने वाला नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। बारिश के मौसम में यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती रोमांचित कर देती है। वहीं ठंड के समय यहाँ पर पूरा पहाड़ धुंध से घिरा रहता है। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धरोहर। ऊंचे स्थान पर होने के कारण यहाँ के जंगलों में बादल कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जैसे वो जमीन पर उतर आए हो। संरक्षण के अभाव में किला जीर्ण शीर्ण हो चुका है। यहाँ खजाना पाने के लालच में लोगों ने कई स्थानों पर खुदाई की थी। ये किला समुद्र तल से 1532 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह रामगढ़ का किला अब पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। करीब 1000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। ये किसी तरह का संरक्षण नहीं होने के कारण यह पूर्ण रूप से अब जीर्ण शीर्ण हो चुका है। आइए देखते हैं यहाँ की स्थिति। यह किला पाकी ब्लॉक की रामगढ़ पंचायत के अंतर्गत आता है। इस किले तक पहुंचने के लिए जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। आप जब भी इस किले में पहुंचते हैं तो आपको नीचे देखने पर बादलों और हरियाली का एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यह किला अभी देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुका है। जानकारी के अनुसार यह किला 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। इसके बाद बड़वानी के सिसोदिया शासकों ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित यह किला आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन नज़दीक जाकर देखने पर अतीत की भूली बिसरी यादों का बखान करने वाले चंद लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं मिलता। इस किले में अभी वीरानी छाई हुई है। पहाड़ियों की ऊंचाई पर जब लोग मुश्किल से ऊपर चढ़कर किले तक पहुँचते हैं तो वो वहाँ की जर्जर हालत सारी कहानी बयान कर देती है। किले के अंदर एक बावड़ी है। दक्षिण क्षेत्र की ओर से होने वाले हमले से बचाव के लिए इसे बनाया गया था। दक्षिण क्षेत्र के महाराष्ट्र की सीमा से लगे खेतिया और पानसेमल की ओर मैदानी इलाका है, जबकि दक्षिण क्षेत्र के मैदानी इलाके के बाद यह पहला सबसे बड़ा पर्वत है। रामगढ़ के किले को पर्यटन स्थल बनाने के लिए पूर्व में प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां पहुंच मार्ग आसान न होने के कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे ही और भी स्थलों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम धरोहर।